फ्रेंड्स, ये एक मोदी केयर ब्रांड का है प्रोडक्ट जो कि रियली काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक विद नीम एंड रोजमेरी सेंसिटिव एंड एक्ने प्रो स्किन। यस फ्रेंड्स, जिनकी भी स्किन में एक्ने है या प्रोन है, उन्हें पिंपल्स वगैरह से दिक्कत हो रही है, उनके फेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, तो उनके लिए फेस पैक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पहले से ही मेंशन कर रखी हैं फ्रेंड्स के। अगर बैक में मैं बता दूं तो इसमें नीम आपका मिला हुआ है, रोजमेरी है, ब्राह्मी है, क्ले है। नीम, क्योंकि आप सभी जानते हैं, नीम एक नेचुरली एंटीसेप्टिक है विच ऑल्सो मेंशन फ्रॉम बैक साइड, एन एंटी फंगल एजेंट है एंड एन एक्सट्रीजेंट विच डिसइनफेक्ट आपके मतलब फेस पर जितनी भी प्रॉब्लम्स एक्ने से रिलेटेड होती हैं, अगर आप उस पर डायरेक्टली नीम अप्लाई करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पुराने टाइम में लोग ऐसे ही यूज़ करते थे अपने फेस की, जितनी भी उनकी कील मुहासे होते थे तो उन्हें ठीक करने के लिए नीम जैसी चीज़ों का ही उपयोग करते थे, उसे लगाते थे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते थे और फिर वो खुद ही सूख के अपने आप निकल जाते थे और उनके दाग भी खत्म हो जाते थे। विच ऑल्सो मैंशन कि ये आपके जो है एक्ने को पहले ड्राई करता है, फिर सूखने के बाद उसे निकाल देता है। वही रोजमेरी की अगर हम बात करें तो ये आपका हेल्प नॉर्मलाइज, मतलब जो ऑयल का श्रव होता है, वो जिन जिनके लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल्स आने लगता है, जमा हो जाता है, तो उसे भी ये ईजिली से जो है रिमूव करता है। ये काम आपका रोजमेरी बहुत अच्छे से करता है। वहीं आपके जो है एक्ने को क्लियर करता है और उसके जो बेलमिशी होते हैं, उनके दाग वगैरह स्पॉट्स होते हैं, उन्हें भी रिमूव करता है। ब्रह्मी की हम बात करें तो ये आपके स्किन सेल्स को रिपेयर करता है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, स्किन सेल्स की रिपेयरिंग और आपकी जो स्किन को है वो हील करता है, उसके जो है आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह जो भी हैं, उनके जो बन गए हैं छेद, उन्हें हील करता है और आपके जितने भी पोन्स हैं, प्रोन्स हैं, उन सबको भरता है ये। और बात करें हम क्ले की, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुल्तानी मिट्टी का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे फेस के लिए, और पहले क्या आज भी लोग मुल्तानी मिट्टी को बहुत वरीयता देते हैं अपने फेस पर लगाने के लिए। तो अगर हम क्ले की बात करें तो आपके क्ले जो है हेल्प करती है एब्जॉर्ब टॉक्सिन एंड एक्सेस ऑयल टू क्लियर पोर्स। जो मुल्तानी मिट्टी है, जो क्ले है, वो आपके स्किन को टाइट करता है, साथ ही आपके क्लियर करता है पोर्स को और आपकी जितनी भी एक्सेस ऑयल है, टॉक्सिन है, उसे रिमूव करता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, विच आई ऑल्सो यूज़ ऑन माई फेस, अभी वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन है और सबसे अच्छी चीज़ है, इसे बहुत कम क्वान्टिटी में लेना है और आपका ये हर तरह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, कैसे मैंने यूज़ किया अपने फेस पर और मेरा फेस पर कैसा रिजल्ट रहा है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। शाइन किया और स्किन को भी टाइटन किया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, हम पॉल्यूशन को तो स्टॉप नहीं कर सकते और फिर ऐसा का तो माहौल है कि हम कहीं आ जा भी नहीं रहे, लेकिन घर में ही कहीं ना कहीं हम मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं। तो जब हमारा मानसिक दबाव हमारे पर होता है तो हमारे चेहरे पर भी वो चीज़ ईजिली दिखती है, उससे क्या है हमारे फेस की शाइन वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, और हमें वीक में एक या दो बार इन चीज़ों का, इन नेचुरल प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे फेस को एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये बहुत बेहतरीन है। अगर आपके फेस पर सीरियसली कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगी, क्योंकि इसमें नीम मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम आप लोग अपने फेस पर लगाते हैं तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है, बट वो इरिटेशन इसलिए नहीं कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उसका थोड़ा प्रभाव है, दूसरा वो एक आपको ठीक रिजल्ट के लिए भी करा जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें टच कर रहे हैं, उनमें ब्लड निकल रहा है, तो भी वो पेनफुल हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको फ्री करेगा। और रही बात स्पॉट की, तो वो धीरे धीरे जब आप इसे अपने जो है डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो उसके जो है स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी एक बेहतरीन वीडियो बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, जो मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी लाने के लिए, तो इसे आज मैंने क्लियर किया आप लोगों के साथ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।